हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है तो अपने बाबू की शर्ट और पैंट मैं प्रेस कर रही थी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने धोया हुआ था तो प्रेस नहीं की थी, क्योंकि गीली होने के कारण मैं उसमें प्रेस नहीं कर पाई थी। और बाबू मेरा सो रहा था तो उसको भी जगाती जा रही थी, क्योंकि बाबू मेरा बहुत बदमाश है, उसको एक बार की आवाज़ में तो वो सुनते ही नहीं है, उनको दूसरी आवाज़ लगाओ तब वो जाकर उनको सुनाई देता है। और फिर उनके लंच की मैं तैयारी कर रही थी, यानी कि टिफ़िन में जो ले जाना था, तो आज मैं बनाने वाली थी केवल आलू भर के पराठे, बाकी और कुछ नहीं। तो इसके बाद मैंने आलू उबालने के लिए चढ़ा गई थी और प्रेस कर रही थी, तो आलू तो हमारे उबल गए और उनको छील कर मैंने, गरम थी आलू तो मैंने हाथ से नहीं मिसा, यानी कि वो जो छोटी गिलासी होती है उसी से मैश किया। मैसर है मेरे पास लेकिन मैसर से नहीं करती मैं, जो गिलास से करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैसर का तो मैं कढ़ाई वगैरह में यूज़ करती हूँ, जैसे कोई चीज़ गर्म होती है तो उसमें मुझे मिक्स करना होता है तब यूज़ करती हूँ, बाकी गिलास से ही आलू मैंने फोड़ ली थी और काफ़ी अच्छी मैश हो गई थी। और इसमें मैं ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं मिलाने वाली, तो इसमें मैंने हल्की सी सूखी धनिया का पाउडर है, नमक है और पिसी हुई मिर्च है और जीरा है, हींग है, जीरा है, तो ये सारे मसाले मैंने इसमें मिला लिए हैं। मिलाने के बाद मैंने गिलास से मिक्स कर रही थी, लेकिन गिलास से मिक्स नहीं हो रहा था, गिलास से तो केवल मैं इसको मैश करती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब हाथ ना लगाना पड़े मुझे, लेकिन वो गिलास से हो ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि गिलास से आलू हटा कर फिर मैंने इसको हाथ से मिलाना शुरू कर दिया। तो धनिया, हरी धनिया थी नहीं, हरी धनिया ख़त्म हो रखी थी तो हरी धनिया नहीं डाला। डालने के लिए बहुत आइटम होता है लेकिन मॉर्निंग का टाइम होता है, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। आप चाहें तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं कूट कर, और चाट मसाला है, अमचूर पाउडर है थोड़ा सा डाल दें, और हाँ मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला था, यानी कि काटने वाली कोई भी चीज़ नहीं डाली थी, जैसे हरी मिर्च, हरी धनिया तो थी ही नहीं, लेकिन हरी मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि बाबू को अगर मतलब मुंह में पड़ जाती हरी मिर्च तो फिर वो चिल्लाने लगती, इसलिए मैंने ज़रा सी पिसी हुई मिर्च डाली हुई थी। और यहाँ पर मैं पराठा सेक लूँगी, और पहले मैंने एक रोटी की तरह से बेल लिया, फिर उसमें आलू को फिल करके और बेल कर फटाफट सेक कर उनकी टिफ़िन में लगा देती हूँ। तो चलिए मैं पराठा सेक लेती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन जब शाम टाइम बनाती हूँ तो उसमें लहसुन प्याज और हरी मिर्च, हरी धनिया डालकर बनाती हूँ, और कभी कभी तो थोड़ा सा आलू फ्राई भी कर लेती हूँ, वरना बॉयल आलू की अधिकतर तो बॉयल आलू में ही बनाती हूँ, फ्राई तो बहुत कम करके बनाती हूँ लेकिन बॉयल आलू का ही ज़्यादातर बनाती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग स्किप कर कर के देखते हो तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो ये हमारा बेल गया है पराठा, और फटाफट मैं पराठे को अब सेक लूँगी अलट पलट के, क्योंकि टिफ़िन भी लगाना है बाबू का, नहीं तो फिर वो लेट हो जाएंगे।
और यहाँ पर मेरे बाबू को टिफ़िन लग गया है, बॉटल भी भर कर मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर अभी मुझे ये जो काउंटर है इसको भी साफ़ करना, क्योंकि थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था तो उसको भी पोछना है। और इसके बाद मुझे अपने पतिदेव के लिए लंच बनाना है, क्योंकि आलू के पराठे मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, बहुत ज़्यादा 5 या 6 होंगे। तो दो तो बाबू की टिफ़िन में लगा दिया, और पतिदेव को भी ले जाना है तो उनके लिए लौकी की सब्जी और पराठा सेकना है मुझे। और अब मैं साड़ी सुधार रही हूँ, क्योंकि काम करते समय साड़ी का तो ध्यान ही नहीं रहता, इसलिए मैं काम के टाइम साड़ी पहनना थोड़ा कम पसंद करती हूँ, क्योंकि साड़ी का इधर उधर हो जाती है, मुझे समझ में भी नहीं आता है, और जल्दबाजी में तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो अभी तो फ़िलहाल लंच बनाऊँगी, थोड़ा सा रुके क्योंकि चाय पी लूँ, मैंने चाय भी नहीं पिया है, 7:45 हो रहा है, क्योंकि 7:30 बजे मेरा बाबू चला जाता है, तो 7:45 हो रहा है। तो अभी तो मैंने चाय बनाई है और चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद पति देव का लंच तैयार करूँगी। ये होता है मेरा, यानी कि 8:30 9 तक तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इस तरह से भागा दौड़ी हो जाती है। अगर मैं सोचूं कि मैं 10 मिनट आराम से बैठ लूँ तो नहीं बैठ सकती। तो यहाँ पर मेरा सब्जी पराठा तैयार हो गया है, लौकी की सब्जी, और ये पराठा तैयार हो गया। ये पराठा मैंने वैसे बनाया है, जुड़िया टाइप में जो होता है, जो डबल करके बनाया जाता है, उस तरह का मैंने पराठा बनाया हुआ है। और यहाँ पर पितरपक्ष का दिन चल रहा है, तो ये पितरपक्ष का हाँ दूसरा दिन है। तो पतिदेव मेरे जो हैं वो भोग निकालते हैं, यानी कि पूरे 15 दिन जैसे ये चलेगा तो पूरे 15 दिन ये भोग निकलेगा, और लास्ट में जो है पूरा श्राद्ध होगा। यानी बीच में तो जब मेरे ससुर जी थे तो वो भी नहीं करते थे, तो मुझे भी पता नहीं है, तो मैं बीच में नहीं करती हूँ, जो भी कुछ होता है लास्ट में मैं सब कुछ कर देती हूँ। तो ये भोग निकालने के बाद मेरे पतिदेव खुद खा रहे थे, अगर मैं निकालती हूँ तो उन्हें ये लगता है कि मतलब वो अपने हाथ से ही निकालते हैं। मेरा तो जो गाय की रोटी होती है वो तो होती होती है, लेकिन वो भी अपने हाथ से निकालते हैं। तो यहाँ मैं गाय को पहले तो मैंने जो अपने किचन में बनाया था जो मैं निकालती हूँ वो खिलाई, और फिर इसके बाद जो मेरे पति देव निकालते हैं उसको फिर मैं खिलाती हूँ। और पितरपक्ष में तो आजी बाबा को वैसे भी पानी दिया जाता है, और पानी देने के बाद दरवाजे की चौखट पर भी पूजा थोड़ा किया सा जाता, फ्री कहते हुई कि हूँ आजा अब, बाबा मैं लोग फ्री यहीं हुई पर हूँ। विराजमान होते हैं। हाँ पहले बेटा गया, अब पति देव गए हैं, और मेरी चाय हो रही है गरम, मेरी चाय गरम हो रही है। तो अब मैं चाय लूँगी और एक पराठा लूँगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठूँगी, थोड़ी देर बैठने के बाद अपने यूट्यूब का काम करूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। गर्मी से चेहरा इतना बेकार हो जा रहा है कि पूछो ही ना। और आज मैंने ब्लाउज इस साड़ी पर दूसरा पहन रखा है ना। तो हुआ क्या है कि ये साड़ी का जो ब्लाउज था, तो मैंने एक दूसरा ब्लाउज सिलवाया था तो वो नाप के लिए गया हुआ है, और ये जो दूसरी साड़ी का ब्लाउज है, तो पहले तो मुझे साड़ी पहनती नहीं थी, पहले तो मैं साड़ी पहनती नहीं थी। तो जितने भी ब्लाउज हैं जो भी आप लोगों ने देखा होगा, एक दो बार मैं पहनती हूँ ब्लाउज, तो वो थोड़ा सा मेरे सही है। तो उनकी जो साड़ियाँ थी, जैसे कि जो बर्तन वाले नहीं आते हैं तो बर्तन वालों को साड़ी उठा कर दे दी, क्योंकि साड़ी तो पहनती नहीं थी बस, और ऐसी नॉर्मली साड़ी रखती थी, जैसे कभी कदार मन हुआ तो पहन लिया, तो मुझे लगता है ज़्यादा तो मैंने पहना नहीं, थोड़ी बहुत पहनी फिर उसको उठा कर रख दिया, तो उन लोगों को दे दिया। लेकिन अब पहनना पड़ता है तो अब लगता है कि हाँ, कि साड़ी अगर हल्की साड़ी अच्छी लगती है घर में पहनने के लिए, और प्लस काम करने के लिए। भारी साड़ियाँ जो होती है ना, पहनकर काम नहीं होता है, एक तो भारी साड़ी को कहीं इधर समेटो कहीं उधर समेटो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब लगता है, तो सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके 3-4 साड़ियाँ ऐसे हल्की ले लूँगी, फिर घर में पहनूंगी, कभी कभार मन भी हो जाता पहनने के लिए। तो चलिए मैं चाय निकाल लेती हूँ, पराठा ले लेती हूँ अपने लिए। होता क्या है ना, साड़ी पहनकर मुझसे काम नहीं होता है, तो सूट या मैक्सी मुझे ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन अब जो है, अब मुझे लगता है कि साड़ी साड़ी थोड़ा सा पहना करूं, क्योंकि मैं साड़ी पहनने में बहुत कंजूसी करती हूँ। मेरी सारी साड़ियाँ ऐसे ही रखी हैं, सारी साड़ियाँ ऐसे ही रखी हैं।
तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। आलू का पराठा है, आलू का पराठा है, चाय है और लौकी की सब्जी बनाई है। तो ये देखिए, देखिए आप लोग भी देखिए और आ जाइए हमारे साथ आप लोग भी चाय पराठा खाने के लिए। चलिए फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ आज पानी देते हैं, तो चौखट पर पूजा करते हैं, फिर पानी भी देते हैं, फिर इसके बाद भोग निकालते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ होता है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ अपने कमरे की सफाई करने के लिए। ये जाले वगैरह खिड़कियों में लगे थे तो झाड़ू से मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि दीवारों पर भी मिट्टियाँ वगैरह हो जाती हैं, धूल वगैरह उड़ती रहती है। तो जाल मेरा खुला रहता है, आधे जाल को मैं ढाँक कर रखती हूँ पॉलीथीन से, आधा खुला रहता है, क्योंकि पूरा खोल दूँगी तो धूल वगैरह कुछ ज़्यादा आ जाएगी, तो इसलिए पूरा नहीं खोलती, आधा ही खोलती हूँ। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ अपनी कमरे की सफाई, क्योंकि बाकी तो बिस्तर वगैरह तो मैंने सब कायदे से लगा दिया है, केवल झाड़ू ही झाड़ू लगाना है। और अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, झाड़ू लगा कर ही फ्री नहीं होना है। तो चलिए मैं सफाई कर लेती हूँ। बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही, फेस का क्या हाल है, ये देखिए पसीना कैसे निकल रहा है, बाप रे, मेरे को फिर से नहाना पड़ेगा। तो चलिए अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कम से कम कुछ नहीं तो हमारे पसीने की कदर कर लीजिएगा प्लीज़। तो मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में।